में आज हम बातचीत करेंगे कि विकारोत्पादक तत्व यानी कि लिंग और वचन की पहचान कैसे की जाए, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के जितने छात्र हैं उनके मन में भी लिंग को लेकर काफ़ी भ्रामक स्थिति रहती है कि किस शब्द को पुल्लिंग कहा जाए, किस शब्द को स्त्रीलिंग कहा जाए। कई बार हम अपने दैनिक जीवन में भी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके बारे में भी ये पता नहीं होता है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे उदाहरण के लिए कई बार सुनने में आता है जब हम अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं तो कि हवा चल रही है, फिर हवा चल रहा है, ठीक है, चाय बन रही है कि चाय बन रहा है, यह खाकर बहुत मज़ा आया, कई लोग कहते हैं कि बहुत मज़ा आई, या फिर फिल्म देखकर मज़ा आ रहा है, कई लोग बोलते हैं कि मज़ा आ रही है। तो कई बार कन्फ्यूजन होने लगता है, भ्रम हो जाता है कि जिन लिंगों का वे प्रयोग कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में लिंग से संबंधित सवाल आते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चार विकल्प दे देगा, उसमें से एक विकल्प चुनना रहता है। कई बार आ जाता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पुल्लिंग नहीं है या फिर कौन स्त्रीलिंग नहीं है, इस तरीके से भी सवाल आते हैं। तो कम से कम हमें ये जानना जरूरी है कि जो दैनिक जीवन में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके लिंगों के बारे में जानना जरूरी है। लिंग के निर्धारण को लेकर या फिर उसकी पहचान को लेकर एक व्यक्ति ने काफ़ी मेहनत किया था, कामता प्रसाद गुरु ने। लगभग उन्होंने 40 नियमों को बनाया है जिसमें कि पुल्लिंग का निर्धारण कैसे किया जाए, स्त्रीलिंग का निर्धारण कैसे किया जाए, लेकिन वे नियम सारे बहुत ही उलझन पैदा कर देते हैं और प्रतियोगी छात्र उन नियमों को पढ़कर काफ़ी परेशान होने लगते हैं। तो उन्हीं में से कुछ मैंने नियमों को छांटा है, ऐसे शब्दों का चुनाव किया जाए जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम सीधे आप टॉपिक पर चलते हैं और पुनः मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लगातार आप इस लेक्चर को सुनेंगे और कमेंट्स कर ज़रूर बताएंगे कि ये टॉपिक कैसा लग रहा है, ठीक है। तो हम पहले लिंग को देखते हैं कि लिंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं इसको इस तरीके से। लेकिन जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो ये वहाँ पर लिखा रहता है और आप जिसमें रहते हैं उसमें आप लिख देते हैं, खासतौर से ये होते हैं। और एक तीसरा भी लिंग का निर्धारण हो गया है जिनको कि ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ये तो फॉर्म और इसके शाब्दिक अंग्रेजी में जो इसका शब्द है उस पर हमने चर्चा कर लिया। खासतौर से लिंग को कहा जाता है कि ऐसे शब्द जो शब्दों की जाति बताते हैं, शब्दों की जाति बताने वाले को लिंग कहा जाता है, कि जाति को बताने वाला वो क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है, ठीक है। और हिंदी में कुल दो लिंगों की बात की जाती है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी में कुल कितने लिंग होते हैं, तो विकल्प में दे देगा 2, 3, 4 और 5, ठीक है। और दुनिया की जितनी भाषाएं हैं उनमें 3 लिंगों का प्रयोग किया जाता है, कई बार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसके पहले संस्कृत में भी 3 लिंगों का ही प्रचलन था, लेकिन जैसे ही अपभ्रंश इत्यादि आई उसमें से एक लिंग को ख़त्म कर दिया गया और 2 ही लिंगों का निर्धारण किया गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। तो हम हिंदी में भी 2 ही लिंगों का ज़्यादातर अध्ययन करते हैं और इन्हीं में तो कन्फ्यूजन होने लगता है कि स्त्रीलिंग कौन है और पुल्लिंग कौन है, ठीक है। तो पहले ये जान जाइए कि हिंदी में 2 लिंग का प्रयोग किया जाता है, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, ठीक। इनका निर्धारण जो कामता प्रसाद गुरु ने किया है वो 4-5 बिंदुओं पर किया है, जिसमें कि पहला जो बिंदु है वह है तत्सम, शब्दों के आधार पर कि इसमें पुल्लिंग कौन है और स्त्रीलिंग कौन है। दूसरा है तद्भव शब्दों के आधार पर, इन दोनों शब्दों पर हमने पहले विचार कर लिया कि तत्सम किसे कहा जाता है और तद्भव किसे कहा जाता है, एक इस पर मैंने लेक्चर तैयार किया था, आपने देखा होगा। तीसरा अप्राणीवाचक शब्द, ठीक है। चौथा उर्दू के शब्दों का प्रयोग और पांचवा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग, ठीक। क्योंकि इन्हीं सारे शब्दों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते भी हैं और यही देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम पुल्लिंग का निर्धारण करें और कैसे स्त्रीलिंग का। तो पहले हम तत्सम शब्दों को देखने की कोशिश करते हैं कि वे कौन से ऐसे तत्सम शब्द हैं जिनमें हम पुल्लिंग को और स्त्रीलिंग को जान सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं कि तत्सम में क्या है। तत्सम में इधर हम लिख देते हैं तत्सम शब्द आधारित
और इसमें कुछ अपवाद हैं, इन अपवादों को ही आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। परीक्षा में यहीं से सवाल पूछा जाता है क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है। एक बार मैं एग्ज़ाम देने गया था रिव्यू ऑफिसर का, उसमें पहला ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो उसमें लिंग से संबंधित ही सवाल था, जिसमें था कि दही खट्टा है, और दो तीन शब्द वाक्य जो थे वो गलत थे और दही खट्टा ही सही था। लेकिन कई प्रतियोगी छात्रों ने ये मानकर उसको गलत कर दिया कि दही तो स्त्रीलिंग है, वो कैसे खट्टा हो सकता है, खट्टी होना चाहिए, जबकि दही शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो वो अपवाद में आता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तत्सम में पहले ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक चीज़ और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो लिंग का निर्धारण होता है उसके केंद्र में संज्ञा होती है। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम का जो पद होता है उसे संज्ञा कहते हैं, वही पुल्लिंग स्त्रीलिंग के केंद्र में होती है। ठीक है, तो तत्सम शब्दों में देखने की कोशिश करेंगे कि जिस संज्ञा पद के अंत में, इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है अंत में। अब मैं पॉइंट वाइज लिखूंगा और उसको नोट करते जाना। जिस संज्ञा पद के अंत में पहला पॉइंट है त्रव, ठीक है, जैसे चित्र, क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र, फिर पात्र, चरित्र, शस्त्र, इतने जो शब्द हैं इनके अंत में क्या लगा है, त्र लगा है, तो ये सब क्या होंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा, जिस संज्ञा शब्द पद के अंत में न का प्रयोग हुआ हो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, जिसमें उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा पालन, ठीक है, दमन, या फिर पोषण, ठीक है, या गमन, ये सारे शब्द हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन इसमें एक अपवाद है शब्द, वो है पवन। पवन शब्द जो है ये स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है, तो इसको क्या कहा जाएगा, उभयलिंग। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की जरूरत है। एग्जाम में आ जाएगा कि पवन शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, क्या है, तो देखने में तो लग रहा है कि ये पुल्लिंग है नियम के अनुसार, लेकिन व्याकरणविदों ने इसे उभयलिंग के खाने में रखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की जरूरत है। अगला जो शब्द है, जैसे जिस शब्द के अंत में ज हो, जैसे मैंने लिखा जलज, ठीक है, सरोज, ये सब इसमें आएंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। इसी तरीके से शब्द है जिसके अंत में होता है त्व, त्य, ठीक है, व, या फिर य, ये सब जो शब्द हैं ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे नृत्य या फिर कृत्य, ठीक है। इसी तरीके से लाघव या फिर गौरव, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत हैं। अगला पॉइंट है कि जिन शब्दों के अंत में आर आए, आर या फिर आय, वे सब भी क्या हैं, पुल्लिंग है, ठीक है। उदाहरण के रूप में हम जैसे देखते हैं, जैसे मैंने लिखा विस्तार या संसार, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग है। लेकिन एक इसमें अपवाद भी है, जैसे हम लिखते हैं आय शब्द कि फला की आय इतनी लाख है, तो आय जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक, अपवादों को आप एक जगह नोट करते जाइए ताकि क्लियर रहे, आप जब नोट्स बनाएं तो तुरंत उसको दिमाग में रख कर परीक्षा के पहले जाएं। ठीक, अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जिस शब्द के अंत में अ हो तो वो कैसे पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, उसको देखते हैं। ठीक, जिस शब्द के अंत में अ आ रहा है, अ आएगा, वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने लिखा क्रोध, मोह, ठीक है, पाक, इसी तरीके से दोष, ये शब्द सब हैं पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ये सब तत्सम शब्द भी हैं और पुल्लिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। इसी तरीके से मैंने लिखा तो, तो शब्द के अंतर्गत जो आ रहा है, जैसे उदाहरण के रूप में चरित्र, ठीक है, या फिर गणित, ये क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत है। इसी तरीके से जिस शब्द के अंत में ख आ रहा हो वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, जैसे नख, शिख,
ठीक, मुक, ये सब क्या हैं, पुलिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। तो हमने देखा कि कुछ लक्षण निर्धारित किए गए हैं पुलिंग को पहचानने का, तो ये तत्सम में था, ठीक है। अब इसी तरीके से तत्सम में ही हम स्त्रीलिंग के बारे में देखने की कोशिश करेंगे कि तत्सम शब्द हो और स्त्रीलिंग उसमें हो तो कैसे इसको पहचाना जाए, और उसमें भी कुछ अपवाद होंगे उनको भी देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन से शब्द हैं इसमें। जिस संज्ञा पद के अंत में, अब हम स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन होने लगेगा। जिस शब्द संज्ञा शब्द के अंत में आ रहा हो, आ, ठीक, जैसे मैंने लिखा दया, माया, ठीक है, कृपा, और जितने आप महिलाओं का नाम, लड़कियों का नाम देखा होगा, सुना होगा, उन सारे लोगों के अंत में लगभग आ रहता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा पूजा, ठीक, इस तरीके से जितने भी नाम होते हैं, क्षमा, शोभा, ये जो नाम है ये इनके अंत में क्या है, आ है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट जो है कि जिस शब्द संज्ञा शब्द के अंत में ना आए तो वहाँ पर भी स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिखा प्रार्थना, ठीक है, या फिर रचना, वेदना, वंदना, ठीक है। इसी तरीके से घटना, अब घटना शब्द का प्रयोग हम बहुत बार करते हैं कि फला जगह घटना घट गई, कोई बोलता है कि घटना घट गया, तो ये गलत वाक्य है, ठीक है। तो घटना शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये ज़्यादातर हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आता है, तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तीसरा जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स है कि जिसमें जिस संज्ञा शब्द के अंत में ऊ है वो क्या स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। जैसे उदाहरण के लिए वायु, ठीक है, या फिर रेणु, ठीक, या फिर आयु। जैसे किसी की आयु के बारे में बात की जाए कि उसकी आयु 22 वर्ष की होगी, कोई ये नहीं बोलेगा कि उसकी आयु 22 वर्ष का होगा, इस टाइप से नहीं, ठीक है। तो आयु शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि लिंग जब प्रयुक्त होता है तो वाक्यों में ही आता है, डायरेक्ट बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, या फिर इस तरीके से पूछ दिया जाएगा जो अपवाद में है, जानने के लिए कि जो परीक्षार्थी है उसको पता है कि नहीं कि फला शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। लेकिन जब तक हम उसको वाक्य में नहीं प्रयोग करेंगे तब तक ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको लगातार जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं और टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसको बारीकी से देखने की ज़रूरत है, या फिर न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हैं उसको भी। कई बार न्यूज़पेपर में भी इस समय जो हिंदी की स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, कई बार उसमें भी मिस्टेक्स इत्यादि रहते हैं, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक। क्योंकि पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि जो मानक हिंदी व्याकरण है वो हम अपने दैनिक जीवन में ही प्रयोग करते रहते हैं, कई बार अशुद्ध व्याकरण का प्रयोग करते हैं, तो परीक्षा में तो शुद्ध की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं और हमें वो कठिन लगने लगता है। तो कोशिश है कि जो हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं उससे आपको व्याकरण समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आयु हो गया, इसी के साथ मैं लिख रहा हूँ धातु। अब धातु शब्द है ये क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है कि मधु, अगर मधु शब्द आ जाए तो वो क्या है, पुल्लिंग है। अश्रु, अश्रु शब्द क्या है, ये सब पुल्लिंग है। इसी तरीके से जो शब्द है तालु, तालु शब्द क्या है, ये पुल्लिंग है। और अगला शब्द है मेरु, ये सब क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इनमें भी उकारांत है लेकिन ये सब क्या है, अपवाद के अंतर्गत आते हैं, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है इन सबको। अगला जो पॉइंट है कि जिन शब्दों के अंत में ती और नी आता है वो सब क्या आते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गति, मति, ठीक है, या फिर हानि। जैसे किसी व्यापारी को हानि हुई, या फिर किसी को उनके जीवन में कुछ ह्रास हुआ है, लॉस हुआ है, तो उसको हानि कहा जाता है हिंदी में, तो ये बोला जाएगा कि मुझे बहुत हानि हुई है, ये नहीं बोला जाएगा कि मुझे बहुत हानि हुआ है, ठीक है, क्योंकि हानि शब्द जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसी तरीके से शब्द है बुद्धि, बुद्धि क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक।
तो ती आ जा रहा है और उसके अंतर्गत नी आ रहा है। अगला जो है कि जिस शब्द के अंत में ता आए वो भी क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे मैंने प्रयोग किया नम्रता या फिर सुंदरता या फिर लघुता, ये जितना भी शब्द हैं ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। अगला नियम बताया गया कि जिस संज्ञा शब्द का अंत इकार से हो, जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी हो, जैसे निधि, ठीक है, या फिर विधि, कई लोगों का नाम भी रहता है, तो ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। अग्नि या फिर छवि, ये सब, ठीक है। अपवाद में क्या है, इसमें भी अपवाद है, जैसे वारि शब्द जो है ये इकारांत होते हुए भी पुल्लिंग के अंतर्गत है, ठीक है, या फिर पाणी, पाणी शब्द ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत है। गिरी, गिरी शब्द भी क्या है, गिरी माने पहाड़ होता है, ये सब क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत है, जबकि लक्षण के आधार पर इनको स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, अपवाद के रूप में आ रहे हैं। अगला पॉइंट है कि जिस शब्द के अंत में ईमा लगा है, ईमा जैसे गरिमा, महिमा, लघिमा, ठीक है, तो ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में ईमा शब्द लगा हुआ है वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, स्त्रीलिंग के शब्द। तो तत्सम शब्दों में हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में अध्ययन किया और ये देखने की कोशिश किया कि किन किन लक्षणों के आधार पर हम इन शब्दों को पहचान सकते हैं और ये जान सकते हैं कि जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग निर्धारण हुआ है इन लक्षणों के आधार पर हुआ है, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि केवल पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं और स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द हैं जिनका केवल पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता है, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका केवल स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग नहीं होता है। तो पहले हम पुल्लिंग पर बातचीत करते हैं कि कौन ऐसे शब्द हैं जिनके केवल पुल्लिंग शब्द ही होते हैं, जिसमें कि पहला जो शब्द है वो है, पहले लिख लेते हैं कि केवल पुल्लिंग वाले शब्द, ठीक है। तो इसमें पहला जो शब्द है वो है उल्लू, उल्लू पुल्लिंग में ही हमेशा प्रयुक्त होता है। दूसरा है खरगोश, तीसरा पक्षी, चौथा मच्छर। मच्छर शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, लेकिन जब बात आती है नर और मादा, कई बार आप जब विज्ञान की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि जो मलेरिया होता है ये मादा मच्छर की वजह से होता है, तो उसके पहले अगर उसको स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करना है तो मादा शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। इसी तरीके से पांचवा जो शब्द है गैंडा, गैंडा भी हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। छठा शब्द है देश, देश शब्द जो है पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग नहीं होता है। इसके बाद जो शब्द है महत्वपूर्ण है वो दही, अक्सर लगता है कि दही शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होगा, लेकिन ये पुल्लिंग में हमेशा प्रयुक्त होता है। दही खट्टा होता है, वाक्य अगर प्रयोग करें कि दही खट्टा होता है कि दही खट्टी होती है, तो जो शुद्ध वाक्य है दही खट्टा होता है। इसके बाद जो शब्द है वो है तोता, तोता हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। मनुष्य शब्द भी पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा जो शब्द है भेड़िया, भेड़िया सब पुल्लिंग होता है। गीदड़, गीदड़ शब्द भी पुल्लिंग होता है। कौवा, कौवा शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा गुस्सा और दांत, दांत शब्द जो है ये क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ चुनिंदा शब्द हैं जो कि परीक्षाओं में आते रहते हैं, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग की जब बात आती है तो ये शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, इनका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम बातचीत करेंगे कि स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं जो केवल स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। मैं चाहता तो दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को एक ही
लेक्चर में कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगा, तो दोनों को अलग अलग करना ज़्यादा सही रहेगा। आप इसे अलग अलग पेज पर भी नोट करके रख सकते हैं, ताकि परीक्षा में जब भी आप जाएं तो आपको भी क्लियर रहे कि पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द थे और स्त्रीलिंग में कौन कौन से शब्द थे। तो हम अब देखते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो लिख लेते हैं, केवल स्त्रीलिंग शब्द, ऐसे शब्द जो कि हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले। ठीक है, पुल्लिंग में 14 शब्दों के बारे में हमने चर्चा किया था, और स्त्रीलिंग में हम देखते हैं कुल कितने शब्द हैं। पहला शब्द है संतान। ठीक, संतान शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे राजा दशरथ की 4 संतानें थीं, तो की का प्रयोग हो रहा है, राजा दशरथ की 4 संतानें थीं। ठीक है, का वहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए क्या है, ये स्त्रीलिंग है। दूसरा शब्द है कोयल। कोयल ये स्त्रीलिंग में आती है। तीसरा शब्द है मक्खी। मक्खी स्त्रीलिंग में है, और जब पुलिंग पढ़ा रहा था तो मच्छर का प्रयोग किया था उसमें। ठीक है, चौथा है सवारी। सवारी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। पांचवा जो शब्द है मैना। मैना पक्षी के अंतर्गत आती है, लेकिन ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसके साथ छाछ शब्द है। छाछ पुलिंग में हमने बताया था कि दही जो है वो पुलिंग है, लेकिन जब छाछ शब्द का प्रयोग होगा तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। इस चीज़ को ध्यान में रखने की जरूरत है। सातवां शब्द है लोमड़ी। लोमड़ी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है। ये सदैव, ये जितने भी शब्द बता रहा हूँ मैं, ये सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, तो ध्यान में रखने की जरूरत है। मकड़ी, छिपकली, तितली। ठीक है, चिकनाई, चिकनाई। अगला शब्द है जलन। जलन शब्द, ठीक, कई बार लोग बोलते हैं कि जलन हो रही है, और कई बार बोलते हैं कि जलन हो रहा है, तो ये गलत है। जलन हो रहा है शब्द गलत है, जलन जो शब्द है स्त्रीलिंग है, इसलिए हो रही होगा ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तेरहवां, लिखावट। लिखावट बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग में है लिखावट। अगला जो शब्द है सेना। सेना शब्द जो है ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। और आखिरी शब्द है मूछ। मूछ स्त्रीलिंग शब्द है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने चर्चा किया था कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि पुल्लिंग में होते हैं। दोनों को मैंने अलग अलग इसीलिए किया ताकि कन्फ्यूजन ना हो और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए वचन पर, कि वचन किसे कहते हैं, हिंदी में कुल कितने प्रकार के वचनों का प्रयोग होता है, और जब हम अपने दैनिक जीवन में वचन का प्रयोग करते हैं तो कितना सही करते हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे। कई बार जब हम अपनी बात को कहीं संप्रेषित करते हैं तो वचन, क्रिया और जो कर्ता होता है, इनमें सामंजस्य नहीं होता है, हम अशुद्धियों के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, कोई अगर बोल रहा है कि लड़का सब खाना खा रहा है, तो बात तो समझ में आ रही है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं, लेकिन इसका सही जो सामंजस्य होगा, जो सही शुद्ध वाक्य होगा, उसको कहा जाएगा कि लड़के खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम लिखित रूप में और मौखिक रूप में किस तरीके से वचन का प्रयोग करें, ताकि कि वाक्य शुद्ध बोलें, लिखें भी, तो इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अंत तक इस लेक्चर को सुनेंगे, कॉपी पर नोट्स भी करेंगे, और अच्छा लगेगा तो कमेंट्स कर जरूर बताएंगे। तो हम सीधे चलते हैं टॉपिक पर। जब वचन की बात की जाती है तो इसको अंग्रेजी में हम नंबर कहते हैं, नंबर, और इसके शाब्दिक
अर्थ पर बात करें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है संख्या वचन। ठीक है, संख्या वचन। जैसे आप दो नाम आपस में देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम वचन है, ठीक है, तो गांव में उसको पूरा नाम नहीं लोग बोलते हैं, उसका नाम वचन वचन चलता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर दो मिश्रित शब्दों से बना हुआ कोई नाम रहता है तो कई लोगों या फिर उसको बुलाने में जो प्रयोग होता है वो एक एक नाम उसमें रहता है, चाहे आखिरी का रहे चाहे पहले का रहे। ठीक है, तो देखा जाए वचन का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो है संख्या वचन, लेकिन हिंदी व्याकरण में ज़्यादातर वचन का प्रयोग किया जाता है और यही थोड़ा सा डिफरेंट पैदा कर देता है कि वचन कोई चीज़ अलग चीज़ है, लेकिन वो क्या है, संख्या को प्रदर्शित करने वाला एक शब्द है, शब्दों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला शब्द। वो शब्द कौन से हैं, संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, क्रिया, ठीक है, विशेषण, लिंग, ये सब पद इस वचन के अंतर्गत आ सकते हैं। वचन उन्हीं को इंडिकेट करता है। तो हिंदी में मुख्य रूप से दो वचनों का प्रयोग किया जाता है। पहला है हिंदी में, यहाँ पर लिख लीजिए कि दो वचन का प्रयोग किया जाता है, पहला है एक वचन, दूसरा बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। ख़ास तौर से जब हम DSSB या उससे संबंधित प्रवक्ता की परीक्षाओं में बैठते हैं, ख़ासतौर से UP, TGT, PGT, GIC, तो उनमें वचन से संबंधित कुछ सवाल आते हैं। कई बार शुद्ध शब्द जो वचन के रूप में प्रयुक्त होता है उसे संबंधित रहते हैं, कई बार कुछ शब्दों को लिख दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनका वचन क्या होगा, एक वचन या बहुवचन का रूप कौन सा सही होगा या फिर गलत, क्योंकि परीक्षा में सत्य असत्य सही गलत इस तरीके से भी सवाल आ रहे हैं। कई बार तो मिलाने वाले सवाल भी आते हैं, युग्म दे देता है और उसको मिलाना रहता है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि हिंदी में कुल दो वचनों का प्रयोग होता है, एक वचन और बहुवचन। इसके पहले देखा जाए तो संस्कृत में तीन वचन का प्रयोग किया जाता था, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन जैसे ही पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का विकास हुआ और उनसे हिंदी का जन्म हुआ तो धीरे धीरे जो द्विवचन है वो बहुवचन में जाकर मिल गया। इस तरह से हिंदी में दो वचन का प्रचलन शुरू हो गया, एक वचन और बहुवचन। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जब भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी में कुल कितने वचन होते हैं, तो इसका आंसर होगा दो। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक वचन मतलब कि एक संख्या को प्रदर्शित करने वाला, एक संख्या को बतलाने वाला एक वचन, और एक से अधिक संख्या को बतलाने वाला बहुवचन। सामान्य रूप से इसका अर्थ यही होगा, प्रायः सभी लोग इसको जानते हैं, लेकिन जब शब्द का प्रयोग करना पड़ जाता है एक वचन बहुवचन में, तब वहाँ पर दिक्कत आने लगती है कि सही या शुद्ध शब्द कौन सा होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा एक वचन में लड़का, तो इसका बहुवचन क्या होगा, लड़के। ठीक है, हमने लिखा नदी, इसका बहुवचन नदियाँ। ठीक है, हमने लिखा घोड़े या फिर हमने लिखा घोड़ा एक वचन में, यह हो गया घोड़े बहुवचन। बच्चा, बच्चे। तो इस तरीके से ये जो पार्ट है ये एक संख्या को निर्धारित कर रहा है और यहाँ पर जो पार्ट्स हैं ये एक से अधिक संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं लड़कों का भी प्रयोग होता है, नदियों का प्रयोग होता है, घोड़ों का प्रयोग होता है, बच्चों का भी प्रयोग होता है, तो बहुवचन में ही प्रयोग होता है, तो उसको कैसे हम प्रयुक्त करते हैं उसे भी देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक वचन और बहुवचन उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ नियम हैं, उन नियमों को देखना पड़ता है। उन्हीं नियमों के माध्यम से शब्दों का निर्माण होता है, वचन का निर्माण होता है और ये वाक्य में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम देखते हैं कि जब वचन की बात होती है तो इसके केंद्र में संज्ञा रहती है। कहने के लिए सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि भी आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा पद ही इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो संज्ञा पद को ध्यान में रखने की ज़रूरत है।
जब संज्ञा पद की बात आती है तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस पर मैंने लेक्चर पहले ही प्रस्तुत कर दिया है, तो आप लोग जो नहीं देखे हैं वो उसको देख सकते हैं, संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का, विशेषण का, लिंग का, तब मेरी बात ज़्यादा और क्लियर होगी। ठीक है, तो संज्ञा को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और संज्ञा के भी दो रूप हैं। पहला इसमें रूप है विभक्ति सहित, विभक्ति सहित, और दूसरा रूप है विभक्ति रहित। ठीक है, अब ये विभक्ति सहित और विभक्ति रहित ये क्या शब्द हैं? जब हम कारक पढ़ा रहे थे तो कर्ता ने कर्म को, करण से, आपादान को के लिए इस तरीके से पूरा हमने बतलाया था। ठीक है, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का, के की, रारेरी और अधिकरण में, पै, पर। ठीक है, तो ये विभक्ति होती हैं। तो जिनका उपयोग विभक्तियों से होता है उनको विभक्ति सहित कहा जाता है, और जिनका प्रयोग विभक्तियों से अलग होता है, उसमें विभक्ति शामिल नहीं होती हैं, तो विभक्ति रहित कहलाता है। तो ये दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ यही होगा। तो हम पहले देखते हैं विभक्ति रहित। विभक्ति रहित में हम लिंगों के आधार पर देखने की कोशिश करेंगे और वचनों को समझने की कोशिश करेंगे। खासतौर से मैं पुलिंग में बता रहा हूँ कि किस तरीके से वचन का निर्माण होता है, पुलिंग संज्ञा पद हो, और इसका एक वचन और बहुवचन कैसे बनता है। तो पहला नियम ये है कि जब आकारांत शब्द हो, आकारांत, ठीक है, आकारांत का मतलब कि कोई शब्द जिसके अंत में क्या हो, अंत में आ हो, आ शब्द हो, वो उसे आकारांत कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा लड़का, तो आप देखेंगे कि इसके अंत में क्या है, आ है, तो आकारांत जब रहेगा एक वचन में तो उसका बहुवचन बनाने के क्रम में, आकारांत का बहुवचन बनाने के क्रम में क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, आकारांत का ए हो जाता है, मतलब शॉर्ट में अगर इसको समझें तो आ का ए हो जाता है। जैसे मैंने लड़का लिखा तो इसका क्या हो जाएगा, लड़के। ठीक है, जैसे मैंने लिखा गधा तो इसका क्या होगा, गधे। मैंने लिखा पहिया तो इसका क्या होगा, पहिए। ठीक है, या फिर घोड़ा तो क्या हो गया, घोड़े। बस ध्यान में रखने की ज़रूरत यह है कि अगर कोई शब्द आकारांत है, यानी कि उसके अंत में आ लगा है और वह एक वचन है, तब उसका बहुवचन बनाने की जब बात होगी तो वो क्या हो जाएगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर बतलाया, ए हो गया, ये भी ए हो गया है, पहिए, घोड़े। तो उम्मीद है कि जब भी आकारांत से संबंधित एक वचन में शब्द रहेगा उसका बहुवचन बनाया जाएगा तो वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए होंगे। अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि आकारांत के अलावा जितने भी शब्द होते हैं उनका जब बहुवचन बनाया जाता है तो उसमें एक वचन और बहुवचन में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मतलब आकारांत को छोड़कर शेष अन्य मात्रा वाले, शेष मात्रा वाले शब्द दोनों में समान होते हैं। दोनों में मतलब इसमें भी और इसमें भी क्या होंगे, समान होंगे। जैसे उदाहरण के लिए बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है, ये क्या है, एक वचन है। ठीक है, और इसका बहुवचन बनाने के लिए होगा बालक पढ़ते हैं, बालक पढ़ते हैं। इसमें आप देख रहे हैं अ आया हुआ अंत में, तो मैंने बतलाया कि आ को छोड़कर शेष कोई मात्रा आए, अ आए, ई आए, ई, उ, कुछ भी आए, तो उसमें एक वचन बहुवचन में अंतर नहीं रहता है, क्रिया में अंतर हो जाता है, बल्कि पढ़ता है के स्थान पर पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया था, बहुवचन हो गया। अगर बालक के जगह पर मैं लिख देता हूँ छात्र, इसमें भी क्या है, आकारांत है, छात्र पढ़ता है और छात्र पढ़ते हैं। तो देख रहे हैं कि दोनों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है संज्ञा पद में, बस क्रिया में बदलाव हो रहा है।
इसी तरीके से दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, दूसरा उदाहरण से और समझ में आएगा। जैसे हाथी आता है, हाथी आता है, तो ये क्या है, ई इसमें आया हुआ है, ठीक है, ये इसका एक वचन है। लेकिन जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाथी आते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो संज्ञा है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन क्रिया में बदलाव हो गया है। तो जब हम पुल्लिंग संज्ञा में एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं, तो पहला नियम यह था कि अगर शब्द आकारांत है तो बहुवचन में एकारांत में परिवर्तित हो जाएगा, उदाहरण के माध्यम से मैंने बताया। उसके अलावा जितने भी शब्द आते हैं, अगर उसमें अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, तो कोई बदलाव नहीं होगा, दोनों में समान रहेगा, और उदाहरण के माध्यम से मैंने समझा दिया। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग में, ये तो पुल्लिंग की बात हुई थी, अब स्त्रीलिंग में एक वचन और बहुवचन कैसे बनता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब हम स्त्रीलिंग में देखते हैं, और स्त्रीलिंग में ही ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं और इसी में ज़्यादातर नियम भी है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जब स्त्रीलिंग में हम देखते हैं तो पहला नियम ये है कि अगर शब्द आकारांत है, अगर शब्द आकारांत है, मतलब कि उसके अंत में आ है, तो स्त्रीलिंग में एक वचन से बहुवचन बनने में क्या परिवर्तन होता है उसको देख लेते हैं। बहुवचन बनने में क्या होता है, आकारांत का यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा शाखा, शाखा एक वचन है, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा शाखाएं, ठीक है। मैंने लिखा महिला, ये ज़्यादा चर्चित शब्द है, ये क्या हो गया, महिलाएं, इसी से बना हुआ है, क्योंकि इसके अंत में आप देख रहे हैं आ है, इसके अंत में भी आ है, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ए में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जिसे मैंने लिखा कक्षा, ठीक, तो ये क्या हो गया, कक्षाएं, छात्रा, तो क्या हो गया, छात्राएं, ठीक। इस तरीके से एक वचन से बहुवचन बन रहा है। अब हम दूसरा नियम देखते हैं कि जब किसी भी शब्द में के अंत में अ आए, किसी भी शब्द के अंत में क्या आए, अ आए, अ आए, तो वो क्या हो जाएगा, अ जो है वो ए में बदल जाएगा, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा गाय, तो इसका बहुवचन हो जाएगा गायें। मैंने लिखा बात, ठीक, अ आ रहा है, इसमें भी अ आ रहा है, इसके अंत में क्या है, अकारांत है, तो इसकी, इसका जो बहुवचन होगा वो क्या होगा, बातें, इस नियम के अनुसार। इसी तरीके से बहन, बहन शब्द है तो क्या होगा, बहने, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक वचन से बहुवचन बन रहा है। तीसरा नियम है स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही, तीसरा नियम ये है कि यदि ई या ई के बाद, ठीक है, इसको बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, शब्द में इयां लग जाएगा। अगर किसी भी शब्द के अंत में ई या ई है तो बहुवचन बनाते समय उस शब्द में इयां ये शब्द जुड़ जाएगा। जैसे मैंने लिखा तिथि, ठीक, तो ये क्या होगा, तिथियां। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर शब्द के अंत में बड़ी ई है, मतलब इकारांत दीर्घ वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें बदल जाएगा, छोटी इकारांत में बदल जाएगा, ठीक। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा नारी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, दीर्घ है, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये हो जाएगा नारियाँ, ठीक। कई बार बच्चे आंसर लिखते हैं तो ये नहीं क्लियर कर पाते हैं कहाँ पर छोटी की मात्रा रहेगी, कहाँ पर बड़ी की मात्रा रहेगी, कई बच्चे नारियाँ ऐसे लिख देते हैं जो कि गलत है, ठीक है। ये नियम के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, छोटी की मात्रा हो जाएगी। तो अब जब भी आप शब्दों को
देखेंगे कि एक वचन बहुवचन है या फिर शुद्ध अशुद्ध, तो ये आपको उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, नारी हो गया। इसी तरीके से मैंने लिखा नदी, तो यहाँ पर भी क्या है, दीर्घ है और इसके इसका बहुवचन बनाएंगे तो नदियाँ हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि ये भी नियम आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी शब्द के अंत में ई या ई है तो बहुवचन बनाते समय उसमें इयां शब्द जुड़ जाता है, अगर उसका उसके अंत में बड़ी इकारांत है तो वो छोटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नियम समझ में आ गया होगा। अगला नियम हम देखते हैं कि अगर किसी शब्द के अंत में या शब्द जुड़ा हुआ है, चौथा जो नियम है कि अगर या जुड़ा हुआ है तो वो किस में बदल जाएगा, बहुवचन बनाते समय या में बदल जाएगा। जैसे मैंने लिखा डिबिया, ठीक, ये एक वचन है लेकिन इसको जब कन्वर्ट किया जाएगा तो क्या होगा, डिबिया, ये बहुवचन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से चिड़िया, चिड़िया शब्द है, अब इसको कन्वर्ट करना होगा तो हो जाएगा चिड़ियाँ। तो आप देख रहे हैं कि या शब्द अंत में लगा हुआ है और इसका बहुवचन बनाने के लिए या हो जा रहा है। तो उम्मीद है कि इस तरीके से अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप 100% इसको सही कर कराएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ शब्द हैं जिसमें कि गण या जन या वर्ग जोड़कर भी शब्द बन जाता है बहुवचन बनाने के लिए। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए उसमें गण का जोड़ दिया जाता है, वर्ग जोड़ दिया जाता है या फिर जन जोड़ दिया जाता है। ठीक, जैसे शिक्षक गण, शिक्षक इसका बहुवचन बनाएंगे तो शिक्षक गण हो गया। ठीक, कई बार आप रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे ट्रेन पकड़ने के लिए तो वहाँ पर अनाउंस होता है यात्रीगण। ठीक है, यात्रीगण से अनुरोध है कि फला ट्रेन फला प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो यहाँ पर क्या है, यात्री एक वचन है और इसमें गण जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, यात्री गण। ठीक है, इसी तरीके से अधिकारी शब्द है, अधिकारी मतलब एक वचन और उसमें वर्ग जोड़ देंगे तो अधिकारी वर्ग, मतलब बहुत सारे उसमें अधिकारी शामिल हो जाएंगे। इसी तरीके से जन शब्द जोड़ देते हैं, जैसे सब जन या फिर स्त्री जन, स्त्री एक शब्द है इसमें जन जोड़ देंगे तो ये बहु। ठीक है, बहुजन इसी तरीके से शब्द बना हुआ है, बहुजन शब्द मतलब उसमें भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो देखेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने में इन शब्दों का भी अहम रोल है। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द और है कि जब अ या आ ई और बड़ी ई के बाद शब्द के अंत में अ लिख दे रहा हूँ, अगर शब्द के अंत में अ आ छोटी ई या बड़ी ई है तो बहुवचन बनाते समय क्या हो जाता है, ये लग जाता है। जैसे मैंने लिखा बहु, बहु शब्द है, ठीक है, इसमें ऊ को भी जोड़ सकते हैं, ऊ और बड़ा ऊ, तो ये क्या होगा, बहुमें। ठीक है, मैंने लिखा वस्तु, ठीक, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए वस्तुएं, क्या हो गया, ये शब्द लग जा रहा है, तो एक वचन से बहुवचन बन जा रहा है। तो ये तो जितना मैंने चर्चा किया ये सब था विभक्ति रहित के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि विभक्ति सहित हमें कैसे एक वचन से बहुवचन बनता है, तो उसमें कुछ नियम है उसको देख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को पसंद आ रहा होगा और चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि एक वचन से बहुवचन कैसे बन रहा है। विभक्ति सहित के अंतर्गत देखा जाए तो पहला जो नियम है कि यदि अ या आ या ए के बाद अंत में शब्द आए, किसी भी शब्द के अंत में अ आ या ए आए तो वो क्या हो जाता है, ओ में बदल जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा ओ, ओ में बदल जाता है, उदाहरण के लिए मैंने लिखा जैसे लड़का, तो ये क्या हो गया, लड़कों। ध्यान में रखने वाली बात है कि ये विभक्ति सहित में है। अब इसका प्रयोग कहाँ होगा, जैसे वाक्य में प्रयोग होगा, लड़कों ने कहा, लड़कों ने कहा, ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं ने आ रहा है, ने आ रहा है, उसके पहले ये कौन लगा हुआ है। इसके पहले मैंने एक दूसरा नियम बताया था कि लड़का में
अगर बहुवचन बनाना है तो लड़के हो जा रहा है, तो वो क्या था, विभक्ति रहित में था, लेकिन यहाँ पर विभक्ति सहित में, क्योंकि विभक्ति आ रही है यहाँ पर, प्रथमा विभक्ति अगर संस्कृत में कहा जाए, कर्ता ने, मतलब लड़कों ने कहा, ठीक है, तो ओ लग जा रहा है। जैसे फिर अगर उदाहरण दें, गधा, गधा का उदाहरण दें, तो ये क्या होगा, गधों हो जाएगा, ठीक है, गधों की तरह। जैसे अब मैंने लिखा वाक्य में कि गधों की तरह, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर की शब्द प्रयोग हो रहा है जो कि विभक्ति को बता रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, ओ का प्रयोग हो रहा है। इसी तरीके से मैंने लिखा चोर, अभी तक तो आ का मैं उदाहरण दे रहा था, अब अ का उदाहरण दे रहा हूँ, चोर, तो ये गया चोरों, ठीक है, मतलब चोरों की तरह। उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक वचन से बहुवचन बन रहा है, ये विभक्ति सहित के अंतर्गत का उदाहरण है। तो जब भी परीक्षा में जाएं तो पहले देखें कि ये विभक्ति रहित है, मतलब उससे अलग है, या फिर विभक्ति से जुड़कर बना हुआ है, ठीक है। तो पहला नियम तो ये था। दूसरा नियम ये है कि दूसरा नियम अभी बता रहा हूँ, दूसरा नियम ये है कि यदि अ आ उ औ आए तो उसके में भी ओ लग जाता है, ठीक है। कुछ उसी तरीके से नियम ये भी है, जैसे अ आ ओ औ आए तो क्या होगा, ओ हो जाएगा। जैसे लता, तो इसका बहुवचन हो जाएगा लताओं, ठीक। और उदाहरण के रूप में देखा जाए तो लताओं को देखा, लताओं को देखा, ये है, तो को इसमें क्या आ रहा है, विभक्ति के रूप में आ रहा है। जैसे वधू शब्द मैंने लिखा, वधू, तो इसका हो जाएगा वधुओं। उदाहरण के लिए वधुओं से पूछो, वधुओं से पूछो, ठीक है, तो यहाँ पर से आया हुआ है जो कि विभक्ति की तरफ संकेत कर रहा है, ठीक है। तो इन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि कैसे एक वचन से बहुवचन बन रहा है। तीसरा नियम इसमें है कि यदि ई या ई के किसी शब्द के अंत में ई या ई आए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, यों हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। तीसरा उदाहरण है कि यदि ई या ई किसी शब्द के अंत में आए तो वो क्या हो जाएगा, यों हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा मुनि, ठीक है, तो ई है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, मुनियों, ठीक। मैंने लिखा गली, तो इसका जो बहुवचन हो जाएगा, गलियों, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी की मात्रा है और जो बहुवचन हो रहा था यहाँ पर छोटी हो जा रहा है, गलियों हो जा रहा है, ठीक। तो देख रहे हैं कि एक से एक वचन से बहुवचन कैसे निर्मित हो रहा है। अब इसी तरीके से एक और उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा नदी, तो ये क्या हो गया, नदियों। तो इस तरीके से एक वचन से बहुवचन शब्दों का निर्माण होता है। कुछ नियम मैंने बताया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में, उन नियमों के आधार पर जब भी परीक्षा में आप जाएं तो ज़रूर देखने की कोशिश करें कि सही वचन कैसे बनेगा, एक वचन का बहुवचन या फिर बहुवचन का एक वचन कौन सा सही होगा, यही चीज़ देखने की ज़रूरत है। या फिर जब भी बोलने की कोशिश करिए तो उसमें भी सावधानी रखिए कि कौन सा वचन सही है और कौन सा गलत है। विलोम पर बातचीत करूँगा कि विलोम शब्द को कैसे पहचाने, किन ट्रिक्स के माध्यम से उसको पहचाने, और सही मायने में विलोम शब्द बनता कैसे है। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके पहले कुछ व्याकरण की किताबों से हम विलोम शब्दों को याद कर लेते हैं, अगर वो याद किया हुआ प्रश्न आ गया तो हम सही उत्तर कर देते हैं, लेकिन कई बार उसके विकल्प को देख कर कन्फ्यूजन शुरू होने लगता है कि किसका सही विकल्प है, विलोम कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि कई बार जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो विलोम शब्द पूछा गया है उसका विलोम भी रहता है, उसमें उसका पर्यायवाची शब्द भी रहता है, तो कई बार जल्दीबाजी में हम जो पर्यायवाची शब्द है उसको टिक लगा के चले आते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो और कई बार विलोम शब्द बहुत ही माइनर अंतर करके उससे मिलते जुलते
तीनों विकल्प में शब्द मिलते रहते हैं। तो हम आज देखने की ये कोशिश करेंगे कि सही मायने में सटीक विलोम को कैसे पहचानें। तो हम पहले देखेंगे कि विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। विलोम अगर योगा की बात करें तो अनुलोम विलोम करके एक शब्द यूज होता है, लेकिन व्याकरण में विलोम का मतलब होता है, कई जगह इसको लिखा जाता है, विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द इसको हम लिखते हैं कि जब किसी शब्द का कोई उल्टा अर्थ जहाँ पर होता है वह विलोम कहलाता है। मतलब जो उल्टा अर्थ होता है, विपरीत अर्थ होता है, वह विलोम कहलाता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अपोजिट। अंग्रेजी में भी कई बार हम खूब याद करते हैं और हिंदी में, तो व्याकरणों में खूब ढेर सारे विलोम शब्द दिए गए हैं और उन्हीं में से आते ही हैं। तो शाब्दिक रूप में हमने देखा कि विलोम उसे कहा जाता है जो शब्द विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं। किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ प्रदान करने वाले शब्द को हम विलोम कहते हैं। इसका दूसरा नाम है विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, ये DSSB के परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा TGT PGT का जो एग्ज़ाम देने जाएगा, लगभग 125 में से व्याकरण के सवाल करीब 50% रहते हैं, तो उसमें विलोम से कई सवाल रहते हैं, करीब 8-10 सवाल तो विलोम से रहते ही हैं। तो इनको सही करना काफ़ी ज़रूरी होता है अगर आप फाइट में रहना चाहते हैं तो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कुछ उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं कि जैसे रात का जो विलोम हो गया वो दिन हो गया। सामान्य रूप से समझा रहा हूँ अभी, छोटा का बड़ा, यही कहने का मतलब था कि किसी भी शब्द का जब विपरीत अर्थ देने वाला शब्द आता है वही विलोम कहलाता है। जैसे रात है तो यहाँ पर दिन है। अब इसको पहचाने कैसे, सटीक विलोम को कैसे पहचाने, तो ध्यान देने वाली बात है, एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। विलोम शब्द भी वही सटीक होंगे अगर संज्ञा का पूछा गया है, संज्ञा शब्द है तो उसका जो विलोम होगा वो संज्ञा ही होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा अग्नि, अग्नि शब्द लिखा तो इसका जो विलोम होगा वो जल होगा। ठीक है, अगर मैंने आग लिख दिया, आग लिख दिया तो इसका जो विलोम होगा वो पानी होगा। देख रहे हैं कि दोनों शब्द एक ही टाइप के हैं लेकिन दोनों का विलोम जो है वो अलग अलग हो रहा है। इसका कारण मैं बताऊंगा। अभी ध्यान रखिए कि जो संज्ञा शब्द है वो उसका विलोम संज्ञा होगा। दूसरा, अगर कोई विशेषण शब्द है, विशेषण, तो उसका विलोम विशेषण ही होगा, दूसरा कोई विलोम नहीं होगा। अगर विकल्प में जो तीन शब्द और दिए हैं तो उसमें तो एक इसका पर्यायवाची शब्द रहता है कन्फ्यूजन करने के लिए, जल्दीबाजी में जो परीक्षार्थी रहते हैं उनको कन्फ्यूज करने के लिए, और एक एकदम सही रहता है। दो जो रहते हैं वो अलग अलग शब्द रहेंगे, उसमें आपको वो भी कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई शब्द संज्ञा है तो विकल्प में आप पहले देखिए कि संज्ञा शब्द कौन दिया गया है। ठीक है, पर्यायवाची को छोड़कर फिर आप उसको पकड़िए। अगर विशेषण शब्द है तो उसको देखने की कोशिश कीजिए कि विशेषण शब्द कौन है। जैसे मैंने लिखा उदाहरण के लिए अच्छा, अच्छा शब्द है तो इसका विशेषण बुरा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से खोजने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने लिखा अच्छाई, अब तो इसका जो होगा वो होगा बुराई। मिलते जुलते शब्द रहेंगे, मतलब कि अगर विशेषण है तो वो विशेषण ही रहेगा, संज्ञा शब्द उसका विलोम नहीं हो सकता है। इसके अलावा देखें, अगर क्रिया है, अगर क्रिया शब्द है तो उसका विशेष जो विलोम होगा वो क्रिया होगा। जैसे मैंने लिखा आना तो इसका विलोम हो गया जाना। इसी तरीके से मैंने लिखा आगत तो उसका जो विलोम होगा अनागत। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो क्रिया विशेषण रहेगा, क्रिया विशेषण, तो उसका जो विलोम रहेगा वो भी क्रिया विशेषण ही रहेगा। ठीक है, अब ये क्रिया विशेषण का उदाहरण देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्रिया विशेषण में जैसे मैंने उदाहरण दिया, घटती का जो विलोम होगा, घटती शब्द मैंने लिखा तो इसका विलोम होगा बढ़ती। ठीक है, तो देख रहे हैं क्रिया विशेषण जो है वही उसका विलोम हो रहा है, उसी शब्द का विलोम हो रहा है। पांचवा देखते हैं, अगर कोई तत्सम शब्द है तो उसका विलोम क्या होगा, तत्सम ही होगा।
ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक उदाहरण दिया था अग्नि का, ठीक है, ये तत्सम में आएगा। यहाँ पर दोबारा मैं दे दे रहा हूँ अग्नि, तो इसका जो विलोम आएगा वो तत्सम शब्द ही रहेगा। अगर इसी को आग लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा और इसका पानी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर तत्सम शब्द है तो तत्सम होगा और तद्भव शब्द है तो तद्भव होगा। तो मोटे तौर पर ये देखने की कोशिश है कि आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि संज्ञा में कौन कौन से शब्द आते हैं, खासतौर से जो संज्ञा 5 प्रकार की होती है उन संज्ञाओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। फिर विशेषण के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि विशेषण कौन सा शब्द, विशेषण किसे कहते हैं, उससे मिलता जुलता जो शब्द है उसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और उदाहरण के माध्यम से समझ गए होंगे, क्रिया, क्रिया का जो विलोम होगा वो क्रिया में ही कन्वर्ट होकर जो रहेगा वो रहेगा। इसी तरीके से क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव जो शब्द रहेंगे उनका विलोम तत्सम और तद्भव ही रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो ट्रिक है उसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए कि ये जो शब्द है वो कौन सा है, संज्ञा है कि विशेषण है कि क्रिया है कि तत्सम है कि तद्भव है कि क्या है, तो उसका उसी के अनुसार विलोम आप खोजिए, ठीक है। तो ये देखना है। अब हम देखते हैं कि जो विलोम है वो बनता कैसे है, विलोम बनता कैसे है, इसके पीछे मैं उपसर्ग के बारे में बतलाया था, तो आज वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपको कि उपसर्ग लगाकर विलोम बनते हैं, उपसर्ग से मिलकर कई शब्द विलोम हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन उपसर्ग हैं जो कि विलोम बनाते हैं। पहला है अ, अ उपसर्ग के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। जैसे मैंने लिखा न्याय, न्याय शब्द लिखा तो इसका विलोम होगा अन्याय, ठीक है। और हम अपने व्यवहारिक ज्ञान से भी कई बार विलोम शब्दों को पकड़ लेते हैं। जैसे अंग्रेजी में कई बार हम शब्दों के पहले डिस लगा देते हैं या फिर इन लगा देते हैं, जैसे एलिजिबल, इन एलिजिबल, ठीक है, क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड, तो हर शब्द में कई बार इन और डिस लगा देते हैं, लेकिन क्या ये सारे सभी शब्दों के लिए है, ऐसा नहीं है। उसी तरह से क्या जो उपसर्ग लग रहा है वो क्या सभी शब्दों के लिए है, नहीं, कहाँ कहाँ अ लगाकर विलोम बनेगा उन्हीं शब्दों को हम देखते हैं, और भी जो उपसर्ग हैं उनके माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा उदाहरण अगर मैं दूँ, जिसे मैंने लिखा प्रत्यक्ष, ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा, अप्रत्यक्ष, ठीक। जैसे मैंने लिखा सामान्य, तो कई जगह इसका जो विलोम है वो विशेष भी होता है और कई जगह लिखा रहता है असामान्य, ठीक, असामान्य ये भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा मैं वो विसर्ग बता रहा हूँ अन, ये विसर्ग लगाने से भी कई शब्द बनते हैं। जैसे मैंने लिखा औपचारिक, औपचारिक, तो इसके पहले अन लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनौपचारिक। तो इन्हें भी समझने की ज़रूरत है कि कैसे विसर्गों के माध्यम से विलोम बनते हैं, ठीक है। तो जब शब्द आप देखिए तो ये भी ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि कौन सा विसर्ग उपसर्ग किसके पहले लग सकता है, ठीक है। दूसरा मैं उदाहरण दूँ अगर औपचारिक के अलावा, तो जैसे मैंने लिखा आवरण, आवरण, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अनावरण, ठीक है, तो ये विलोम हो गया। इसके अलावा जो तीसरा उपसर्ग है अप, अप, अप उपसर्ग लगता है, जैसे मैंने लिखा यश, तो इसके पहले लग जाएगा अपयश, और पिछले क्लास में मैंने बताया था जैसे मैंने लिख दिया कीर्ति, तो ये हो गया अपकीर्ति, ठीक। इसी तरीके से मान शब्द है तो इसके पहले हो गया अपमान। ध्यान देने वाली बात है कि अप शब्द लगेगा तभी इसका विलोम होगा, वरना अगर सम शब्द लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, ठीक है। तो वो विलोम के अंतर्गत नहीं आएगा बल्कि इस शब्द की और वो शोभा बढ़ा रहा है, अर्थ में बदलाव कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अप शब्द लग रहा है तो उसके विलोम की तरफ संकेत कर रहा है, तो मेरी बात और क्लियर हो रही होगी। चौथा जो उपसर्ग है उसमें हम देखते हैं निर, निर उपसर्ग, ये लग कर कई शब्द बनते हैं। जैसे मैंने लिखा निरादर, ठीक, ये किसका है, आदर का
विलोम है। आदर शब्द में निर शब्द लग गया तो निरादर, ये क्या हो गया, विलोम हो गया इसका। ठीक है, इसके अलावा मैं लिख रहा हूँ साकार, जैसे मैंने शब्द लिखा साकार, इसका क्या विलोम हो जाएगा, निराकार। ठीक है, साकार और निराकार, ब्रह्म की जब हम बात करते हैं तो इन शब्दों का ज़्यादा जिक्र होता है। ठीक है, साकार निराकार, तो आप समझ गए होंगे कि निर जब शब्द लगता है तो कैसे उसका विलोम शब्द हो जाता है। किसी भी शब्द में अगर निर उपसर्ग लग जाता है तो वो विलोम की तरफ इंडिकेट करता है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ और उपसर्ग हैं उनके बारे में देख लेते हैं। उम्मीद है कि इसको आप नोट कर लिए होंगे और देखिए तो आप फोटो भी इसका खींच सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से शायद लिखना होगा, निर शब्द मैंने लिखा था। ठीक है, निर, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। निर में मैंने बताया था आदर का जो है वो निरादर, और जैसे मैंने लिखा दोष ना, तो इसका हो गया विलोम निर्दोष। ठीक, इस तरीके से भी विलोम हो जाता है, तो इसको आप अभी नोट कर लीजिए। आगे मैं देखता हूँ और कौन कौन से उपसर्ग हैं। उम्मीद है कि ये भी लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा, कमेंट्स कर जरूर बताइए। ये विलोम शब्द पहचानने में अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर इन ट्रिक्स को आप अपना लेते हैं तो। हम अगला जो उपसर्ग है देखते हैं, निस। निस, कई तरीके के निस हैं। ठीक है, इन निस के बारे में भी जानना जरूरी है। इनसे जो विलोम बनते हैं उन शब्दों को हम देखते हैं। जैसे मैंने लिखा सचेष्ट, एक शब्द मैंने लिखा सचेष्ट, तो इसका हो गया निश्चेष्ट विलोम। ठीक, इसके अलावा मैंने शब्द लिखा सक्रिय, सक्रिय शब्द लिखा, तो ये क्या हो गया इसका विलोम, निष्क्रिय। देख रहे हैं आप उपसर्ग लग जा रहा है। ठीक है, तो ये पकड़ में आ जाएगा कि सक्रिय का जो विलोम होगा वो निष्क्रिय होगा। इसके अलावा मैं लिख रहा हूँ शुल्क, तो ये हो जाता है निःशुल्क। ठीक, कई बार शुल्क को लोग जल्दी में शुक्ल भी लिख देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि शुल्क कैसे लिखा जाता है इसको। अब देखिए, कई बार इसको लिखने के लिए बोल दिया जाता है तो तुरंत गड़बड़ हो जाता है कई लोगों से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा मैंने लिखा जैसे कर्म, तो इसका क्या हो गया दुष्कर्म, कर्म का विलोम हो गया दुष्कर्म। कई बार क्या होता है, ये जो निश है, ये निश है और ये निश है, ये सब स और सत के विलोम में आते हैं। आप देख रहे हैं ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत स से हो रही है, या फिर मैंने लिखा यहाँ पर सज्जन, सज्जन का क्या हो जाएगा दुर्जन। ठीक, तो जब आप संधि पढ़ रहे थे तो उस समय सज्जन शब्द आया हुआ था, सतजन। तो जब कोई किसी भी शब्द की शुरुआत स से हो रही है या सत से हो रही है तो उसके पहले विसर्ग लग जाएगा, ये उपसर्ग लग जाएगा जो कि इसका विलोम बना देगा। आप देख रहे हैं उदाहरण के माध्यम से, तो आप ध्यान दीजिए कि स और सत जब आता है तो इसका विलोम इन उपसर्गों से होता है, और फिर अगर ये शब्द आते हैं तो इनके पहले कु या दु भी लग जाता है। कई बार कु उपसर्ग और दु उपसर्ग, ये भी उपसर्ग है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सुपुत्र, तो ये हो जाता है कुपुत्र। ठीक, इसी तरीके से अगर दूसरा उदाहरण दें तो ये सज्जन, सज्जन का हो गया दुर्जन। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार इन शब्दों के बाद, इन शब्दों से जिन शब्द की शुरुआत होती है उसमें कु और दु उपसर्ग भी लग जाता है जो कि इसके विलोम को बनाता है। तो इस उपसर्ग के बारे में आप देख लीजिए। इसके अलावा उपसर्ग है प्रति, प्रति उपसर्ग से भी विलोम शब्द बनते हैं। जैसे मैंने लिखा आगमन, आगमन इसका विलोम हो गया प्रत्यागमन। ठीक, आगमन का विलोम प्रत्यागमन। इसी तरीके से मैंने लिखा वादी, वादी शब्द है इसका विलोम हो गया प्रतिवादी। ठीक, तो ये प्रति शब्द है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, और जिन शब्दों के पहले प्रति उपसर्ग लग जाता है
उनका कैसे विलोम होता है, आगमन का प्रत्यागमन, वादी का प्रतिवादी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। इसके अलावा एक और उपसर्ग है, उससे कैसे शब्द बनते हैं उसको भी देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा वी उपसर्ग, वी वी से कई शब्द बनते हैं, जैसे मैंने लिखा देश, ठीक, तो ये क्या हो गया वी देश, ठीक, देश का विलोम विदेश। इसके साथ मैंने लिखा और उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा वीरा राग, राग, तो इसका विलोम हो गया वीराग, ठीक है। तो वी उपसर्ग लगने से कैसे विलोम बन रहे हैं ये मैंने उदाहरणों के माध्यम से बताया। अब तक के लेक्चर में मैंने ये बताने की कोशिश की कि जो विलोम शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है और विलोम को कैसे पहचाने। अगर संज्ञा शब्द है तो उसका विलोम संज्ञा शब्द ही रहेगा, विशेषण है तो उसका विलोम विशेषण ही रहेगा, क्रिया है तो विलोम क्रिया रहेगा, क्रिया विशेषण है तो विलोम क्रिया विशेषण रहेगा, अगर तत्सम है तो उसका विलोम तत्सम ही रहेगा, तद्भव है तो तद्भव ही रहेगा। इससे आप परीक्षाओं में इसको पकड़ सकते हैं। जल्दीबाजी में विलोम को हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको बहुत याद करना पड़ता है। आप कितने विलोम शब्दों को याद करेंगे, कुछ ट्रिक्स अपने लाइफ में अपनाइए, उससे आप परीक्षाओं में जाकर अच्छा सही उत्तर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब देखने की ये कोशिश करेंगे कि महत्वपूर्ण परीक्षाओं, खासतौर से DSSB, TGT, PGT, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या अन्य जो वन डे एग्जाम्स होते हैं उनमें कहाँ कहाँ विलोम शब्द कौन कौन से पूछे गए हैं उन पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। और जो भी मैं विलोम शब्द अभी उनकी चर्चा करने जाऊँगा उसको आप नोट कर लीजिए, और यही सब घूम फिर कर हर परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा धैर्य रख कर आप पूरा हल कर लीजिए। कुल 20-25 विलोम हैं जो कि लगभग हर परीक्षा में इधर उधर से आते रहते हैं, उनका रिपीटेशन होता रहता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा पहला हर्ष, हर्ष शब्द लिखा, हर्ष का जो विलोम होगा वो क्या होगा विषाद, ठीक है। हर्ष माने होता है खुशी, तो विकल्प में खुशी भी दे देगा, उल्लास भी दे देगा, लेकिन इसका जो सटीक विलोम है वो भी लिखा रहेगा। तो आपने देखा हर्ष शब्द जो है इसका सटीक जो विलोम है वो विषाद है। इसके बाद मैंने लिखा फटकार, फटकार मतलब ऐसे लग रहा है कि किसी को डांटना, फटकारना, तो इसका जो विलोम होगा वो दुलार है, ठीक है। इसके अलावा विकल्प में 3 शब्द और रहेंगे जो कि केवल क्वेश्चन बनाने में सहयोग करेंगे, वरना जो इसका सटीक उत्तर है वो दुलार होगा। तो इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। अगला मैंने लिखा गणतंत्र, गणतंत्र, तो आप देख रहे हैं गणतंत्र का विलोम क्या होगा, ये होगा राजतंत्र, ठीक। कई बार गणतंत्र को लोकतंत्र भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, और गणतंत्र मतलब लोगों का जो तंत्र है, लोगों जिसमें जनता मालिक होती है, राजतंत्र मतलब जिसमें राजा ही सब कुछ होता है, ठीक। गणतंत्र का मतलब डेमोक्रेसी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और भारत एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है, तो उसके लिए गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है, तो ध्यान रखिए कि गणतंत्र का जो विलोम होगा वो राजतंत्र होगा, ठीक। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है इसका सटीक विलोम। फिर हम देखते हैं कि गुण शब्द, ये सब कई बार एग्जाम में आए हैं, गुण का होगा अवगुण, ठीक। ये सबसे महत्वपूर्ण मैं बताने जाता हूँ, गौरव, कई लोगों का नाम भी होता है गौरव, ठीक, तो उनका विलोम क्या है, इस शब्द का विलोम क्या है, विलोम है लाघव। और ध्यान देने वाली बात है कि ये शब्द बना कैसे है, गौरव शब्द बना है गुरु शब्द से और लाघव शब्द बना है लघु शब्द से। अब आपको याद करने की जरूरत ज़्यादा नहीं होगी, गुरु से गौरव बना है और लघु से लाघव, तो गुरु का विलोम क्या होगा, लघु होगा। मैं छंद जब पढ़ा रहा था तो लघु और गुरु की बात बार बार आ रही थी, तो अब ध्यान रखिए ये बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ सृष्टि, सृष्टि मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना, ठीक है। तो एक तो विकल्प में निर्माण भी लिख सकता है, लेकिन आपको इसका विलोम लिखना है तो हो जाएगा प्रलय, ठीक, सृष्टि है तो प्रलय। कई बार यहाँ पर विकल्प में लिख देगा विनाश, तो वो इसका सही उत्तर नहीं होगा। यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर जैसा शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, तत्सम है, तद्भव है, तो उसी का दूसरा जो रूप आपको विकल्प में दिखाई देगा वही सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो अगला है स्वप्न, स्वप्न मतलब सोना, सोने से मतलब है, मतलब जागरण, इसका जो विलोम होगा वो जागरण है, ठीक है। अगला विलोम
है जो परीक्षा में ज़्यादातर आता है, आर्द्र। आर्द्र ठीक, आर्द्र मतलब विकल्प में गीला शब्द दिया हुआ था, लेकिन इसका जो विलोम होगा वो होगा शुष्क। ठीक है, आर्द्र मतलब शुष्क। ये सब भूगोल में कई बार आप पढ़ते होंगे कि आर्द्र, आर्द्रीय क्षेत्र या शुष्क क्षेत्र, इस टाइप से ये ज़्यादातर शब्द वहीं पर प्रयोग होता है। तो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आर्द्र है तो इसका दूसरा कोई कमजोर शब्द नहीं रहेगा, जैसा इसका है रूप वैसा ही रहना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। कुटिल शब्द है, कुटिल, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कुटिल, कुटिल का मतलब होता है रिजु। ठीक, रिजु इसका विलोम है, तो इसको याद कर लीजिए। फिर मैंने लिखा आवाहन, आवाहन, आवाहन का विलोम विसर्जन। ठीक, कई बार हम मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं तो उसी के है कि आवाहन का जो विलोम है वो विसर्जन है। ठीक है, इसके बाद है परुष। परुष एक शब्द है, बहुत ही परीक्षा में आता है, इसको ध्यान में रखिए। पुरुष शब्द मैंने नहीं लिखा है बल्कि परुष लिखा है। परुष मतलब होता है कठोर, कठोर का विलोम क्या होगा, कोमल। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है, परुष मतलब कोमल, इसका विलोम होगा। अगला विलोम है आसक्त, आसक्त माने इसका जो विलोम होगा अनासक्त। आप देख रहे हैं कि इसमें उपसर्ग लग गया, अना, अन उपसर्ग लगा है तो अनासक्त हो गया। ठीक है, इसके साथ अगला उदाहरण देखते हैं, मैं अभी साइड में हो जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला उदाहरण देखते हैं उपजाऊ। ये यूपी पीजीटी 2013 में सवाल आया था और काफ़ी विवादित सवाल रहा कि उपजाऊ का सही मायने में विलोम कौन सा होगा। तो विकल्प में बंजर भी दिया था और ऊसर भी दिया था। ठीक है, तो ये प्रश्न कोर्ट में चला गया था, फिर बाद में दोनों आंसर सही माने गए थे। तो उपजाऊ कई जगह इसको लिखेगा ऊसर भूमि, ऊसर, और कई जगह बंजर, तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कई बार अन शब्द लग जाता है तो अनुपजाऊ भी लिख देता है, तो इसके तीन आप देख रहे हैं कि विलोम शब्द हो जा रहे हैं। तो ये काफ़ी विवादित टाइप का शब्द है, कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर कोई पेपर सेट करने वाला तीनों शब्द दे देगा तो फिर तो इसको 100% कोर्ट में जाना है इस प्रश्न को। तो ध्यान रखिए, इस शब्द को आप नोट कर लीजिए इम्पॉर्टेंट करके। फिर अगला शब्द है परिश्रम। परिश्रम मतलब मेहनत करना, तो यहाँ पर क्या है विश्राम। अब ये कोई नहीं लिखा है, आराम नहीं लिखा हुआ है शब्द। परिश्रम जैसा शब्द है उसी के टक्कर का जो उसका होगा विलोम उसी शब्द का होगा। ठीक है, तो परिश्रम हो गया, का विलोम हो गया विश्राम। अगला शब्द है सुसुप्ति। सुसुप्ति शब्द देखिए कैसे लिखा गया है, कई बार इंटरव्यू में बोर्ड पर इन शब्दों को लिखने के लिए भी दे देता है तो कई लोग नहीं लिख पाते हैं। ध्यान में रखिए, पहले दंत स है, फिर छोटाऊ की मात्रा है, फिर मूर्धन्य स है, फिर छोटी की मात्रा है। सुसुप्ति, सुसुप्ति का जो है वो है जागृत, जागृत। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक उदाहरण दिया हुआ था, अच्छा इधर स्वप्न का जागरण दिया था, यहाँ पर सुसुप्ति का है जागृत। सुसुप्ति मतलब कोई व्यक्ति एकदम सोया, उसको होश नहीं है, लेकिन जागृत का मतलब जागा हुआ है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान में रखें। उत्थान, उत्थान शब्द है, उत्थान का जो विलोम होगा वो क्या होगा, पतन। खासतौर से इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि फला जो का शासनकाल था या फिर फला राजा का जो पतन का कारण क्या था, मुगलों के पतन का कारण, ठीक है, अंग्रेजों के पतन का कारण, इसी तरीके से मगध साम्राज्य के पतन का कारण। उत्थान और पतन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। ठीक, फिर मैं अगला जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ वो है स्वजाति। स्वजाति, ठीक, आप देख रहे हैं कि इसमें पहले से ही उपसर्ग लगा हुआ है, स्व सु उपसर्ग लगा है, इसमें संधि हुई है। आप कमेंट करके बताइए कि संधि कौन सी संधि है स्वजाति में, जैसे स्वागत शब्द है वैसे ही स्वजाति शब्द है। तो ये बताइए इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, विजाति। ठीक है, स्वजाति का विलोम विजाति। इसी तरह से अगला शब्द है स्वधर्म। अब स्वधर्म शब्द है तो इसी के आधार पर आप नहीं बता देंगे कि इसका जो विलोम है वो विधर्म होगा, ऐसा नहीं है। स्वधर्म है तो इसका विलोम होगा परधर्म। ठीक, तो हमने इतने शब्दों को अभी देखा है, कुछ शब्द और बचे हुए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जिन्होंने नोट कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नोट करते जाइए। तो हमने देखा कि किस तरीके से किन शब्दों का विलोम क्या होता है, तो
तो इसको पकड़ने की आपको मैंने ट्रिक भी बताई और उदाहरण से मैं बता रहा हूँ। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे शब्द हैं जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है, कठिन शब्द हैं। वैसे तो विलोम जब आप पढ़ेंगे व्याकरण में तो बहुत सारे शब्द हैं, जब आप हरदेव बहारी की किताब को पढ़ेंगे तो उसमें 1600 शब्दों को दिया है विलोम, तो उन 1600 को याद करना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप याद भी कर लेते हैं तो कई बार परीक्षा में घुमा कर प्रश्न आ जाता है, तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको सही कर पाएँ, इसलिए ट्रिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वो शब्द है अज्ञ, अज्ञ का विलोम विज्ञ, ठीक। इसी तरीके से एक शब्द है अभिज्ञ, इसका विलोम होगा अनभिज्ञ। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इन सारे चीज़ों को याद कर लीजिए। फिर मैंने लिखा दिवस, दिवस माने होता है दिन, तो कई बार विकल्प में दिन भी लिख देता है, ठीक है, लेकिन इसका विलोम होगा रात्रि, और विकल्प में रात शब्द भी रहेगा तो कई लोग जल्दीबाजी में रात को गोला रंग देंगे उसका, फिर उसका आंसर गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये अगर तत्सम है तो ये भी तत्सम होना चाहिए, यही मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला शब्द मैंने लिखा निर्मल, ठीक है, निर्मल शब्द लिखा, तो इसका क्या होगा, निर्मल मतलब स्वच्छ होता है, तो इसका जो विलोम होगा वो मलिन, ठीक है। विकल्प में गंदा भी दिया हुआ है, प्रदूषित भी दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन उसका सही जो विलोम है निर्मल का वो मलिन है, ठीक। इसके बाद मैं देख रहा हूँ जो अगला है द्युति, द्युति शब्द जो है इसका विलोम है, द्युति मतलब होता है प्रकाश, तो इसका विलोम जो हो गया वो हो गया अंधकार, अंधकार, ठीक। इसी तरीके से अगला शब्द है अपराधी, अपराधी का विलोम क्या होगा, अपराधी का विलोम होगा निरपराध, निरपराध। ध्यान देने वाली बात है कि मैंने निरपराध लिखा है और निरपराधी नहीं लिखा है, तो इस चीज़ को आप बहुत ही बारीकी से इसको देखने की ज़रूरत है। अपराधी का विलोम होगा निरअपराध, ठीक। इसके बाद है अपव्यय, अपव्यय का जो विलोम होगा वो गया मितव्यय। अब देख रहे हैं मिलता जुलता शब्द है इसी से, तो विलोम को आप ठीक से पकड़ पाएंगे। इसी तरीके से मैंने लिखा महात्मा शब्द, महात्मा इसका विलोम होगा दुरात्मा, ठीक है, महात्मा का विलोम दुरात्मा। प्राचीन शब्द है, ये एक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसके विलोम को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। प्राचीन का विलोम नवीन नहीं होता है बल्कि अर्वाचीन है, ठीक है, अर्वाचीन, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। कई परीक्षाओं में विकल्प में नवीन शब्द भी दिया रहता है, तो इन दोनों शब्दों को अर्वाचीन और नवीन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन सही मायने में यही है। इस प्रश्न को लेकर भी कोर्ट में बच्चे गए हुए थे, एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो इस प्रश्न को हटाना पड़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जंगम शब्द, जंगम का जो विलोम है वो है स्थावर। ऐसे शब्द आते रहते हैं हमेशा, कई बार इसको घुमाकर पूछ देगा कि स्थावर का विलोम क्या होगा, तो जंगम होगा और जंगम का विलोम स्थावर, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। मैंने लिखा अगला शब्द पाश्चात्य, तो इसका जो विलोम होगा वो पौर्वात्य, ऐसे करके, ठीक। पाश्चात्य मतलब पश्चिम, जब मैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ा रहा था मतलब पश्चिम यूरोप के लिए जो यूज किया जाता है पाश्चात्य, और पौर्वात्य मतलब जो पूरब का है, ठीक है, तो ये इसका विलोम है, हमको विलोम से देखने का मतलब है। इसके बाद मैं देख रहा हूँ शब्द कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ, तो आप देख रहे हैं कि कृतज्ञ मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ मीन्स होता है कि किए गए उपकार को न मानने वाला, ठीक। इसका विलोम क्या होगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ। इसके अलावा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है वो है अथ, अथ मतलब होता है कि शुरू होना, और इति मतलब कि समाप्ति होना। कई बार इसको आदि शब्द भी बोला जाता है, आदि का अंत, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रश्न आते रहते हैं। इसी तरह से है अंतरंग, अंतरंग का विलोम बहिरंग, क्योंकि अंतरंग है और उसका विलोम बहिरंग होगा, ठीक है। फिर मूक, मूक मतलब चुपचाप रहने वाला, और उसका विलोम होगा वाचाल। जैसे कोई लिखा मूक ना, जैसे आपने देखा होगा मूक बधिर, तो मूक मतलब गूंगा जो नहीं बोल पाता है,
और जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको बोला जाता है वाचाल। तो इसका विलोम क्या हो गया, वाचाल। ठीक, तो ये कुछ चुनिंदा शब्द हैं जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। तो अगर ये सवाल परीक्षा में आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सही कर कर आएंगे, और बाकी विलोम से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उनको आप थोड़ा सा रुक कर ठहर कर उनको आराम से पढ़कर और इन ट्रिक्स को अपनाते हुए सही समय। ठीक, कारक व्यवस्था पर बातचीत करूँगा कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक व्यवस्था का रोल क्या है, कारक व्यवस्था किसे कहते हैं, उसे उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, सूत्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, और प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लगातार मेरे साथ बने रहेंगे और कमेंट्स कर जरूर बताएंगे कि आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा। तो हम सीधे बातचीत करते हैं कारक व्यवस्था पर। कारक व्यवस्था पर जब बातचीत की जाती है तो इसका जो रोल है दो बिंदु सामने उभर कर आते हैं। पहला तो है कि वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित संबंध होता है उसे अभिव्यक्त करते हैं, निश्चित संबंधों को बताते हैं, ये कारक को स्पष्ट करते हैं। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण रोल है वो है कि सार्थक वाक्यों का निर्माण, सार्थक वाक्यों का निर्माण। तो ये दो इसके महत्वपूर्ण रोल हैं जो कि कारक व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। हम पद संरचना को पढ़ लें, वाक्य संरचना को पढ़ लें, विकारोत्पादक तत्वों को पढ़ लें, लेकिन कारक व्यवस्था ठीक से अगर समझ में नहीं आती है तो हम शुद्ध वाक्य नहीं लिख सकते हैं। तो ज़रूरी है कि शुद्ध वाक्य लिखने और बोलने के लिए हमें कारक व्यवस्था को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और बाकी मैं एक सूत्र के माध्यम से पूरे कारक व्यवस्था को समझाने की कोशिश करूँगा, उसको आप नोट भी कर लीजिए या फिर शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। सूत्र है कर्ता ने, कर्ता ने, और कर्म को करण से जान। ठीक, कर्ता ने अरु कर्म को करण से जान। आगे संप्रदान को, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। ठीक, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। तीसरी पंक्ति है का के की, का के की संबंध में, संबंध में पे पर अधिकरण। ठीक है, अधिकरण। और आखिरी पंक्ति है संबोधन हे हो हरे, संबोधन हे हो अरे। ठीक, यही विभक्ति प्रकरण, यही विभक्ति प्रकरण। ये सूत्र है, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं अगर कारक व्यवस्था को समझना है तो। हिंदी में कुल कारकों की संख्या 8 है, इसको आप नोट कर सकते हैं। कारक कुल संख्या कितनी है, 8 है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, ठीक है, अधिकरण और संबोधन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कारकों की संख्या कुल कितनी है, तो इसका उत्तर होगा 8। और मैंने बता दिया कर्ता ये ने के लिए है, कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध में पै पर अधिकरण, संबोधन हे हो अरे, यही विभक्ति प्रकरण। अच्छा, कई बार व्याकरण की किताबों में आप पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा
परसर्ग या विभक्ति, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। परसर्ग लिखा है तो विभक्ति समझिए, और विभक्ति लिखा है तो परसर्ग समझिए। तो ध्यान रहे कि जब कर्ता रहेगा तो उसके साथ ने रहेगा, ठीक है, या फिर कर्म रहेगा तो को, करण रहेगा तो से, अप संप्रदान रहेगा तो को के लिए, अपादान से। आप देख रहे हैं कि दो से है यहाँ पर, एक करण में है और दूसरा अपादान में है। जो करण का से है, करण का से, उसे माना जाता है कि जब कोई चीज़ साधन से प्रयुक्त किया जाता है, साधन का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर करण का प्रयोग होता है, और जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पर जब से आता है तो अपादान होता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि इन सूत्रों को आप ध्यान में रखिए, बाकी कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऊपर से ही मैं इसको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा, बहुत ही चर्चित उदाहरण है कि राम ने रावण को मारा, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि ये संज्ञा है। मैंने बतलाया था कि संज्ञा और सर्वनाम का जब वाक्य में प्रयोग होता है और उनका जो निश्चित संबंध होता है उसी को कारक व्यवस्था स्पष्ट करता है, पहला पॉइंट बताया था। दूसरा है कि सार्थक वाक्य को का निर्माण करता है। अगर सार्थक वाक्य का निर्माण करना है तो कारक व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि वाक्य भी क्या है, सार्थक है। और ने कर्ता के लिए आया हुआ है, रावण ये भी क्या है, संज्ञा है। को यहाँ पर कर्म हो गया, मारा ये क्या है, क्रिया है। अब यहीं पर आ जाएगा कि किससे मारा, तीर से मारा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। अब इस उदाहरण के माध्यम से समझ में आ रहा होगा आपको। अब के लिए, राम ने रावण को किसके लिए मारा था, तो सीता के लिए मारा था, क्योंकि उसने अपहरण कर लिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, संप्रदान हो गया। तो एक उदाहरण से आपने तीन कारकों के बारे में समझा, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, चार के बारे में समझ गए। अपादान थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें भी से का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर अपादान में जब से का प्रयोग होता है तो किसी चीज़ का जब अलगाव होता है तो वहाँ पर प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिखा, पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि पेड़ की जो टहनियाँ हैं उनसे पत्ता जब गिरा तो क्या हुआ, अलग हो गया, तो वहाँ पर से का प्रयोग हो गया, करण का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि करण का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पर साधन का प्रयोग होता है, और अपादान का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर दो वस्तुओं में अलगाव होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। संबंध के बारे में मैंने बतला दिया कि जब का, की, के का प्रयोग हुआ किया जाए तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। जितने भी हमारे रिलेशन हैं उनमें क्या है, संबंध कारक है। ये मेरी मौसी का लड़का है, ये मेरा भाई है, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे मामा का भाई है, इस तरीके से जो भी उदाहरण है उसमें का, की, के का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है, संबंध है। इसको समझना बहुत ही आसान है। अब अधिकरण, जिसको कि सप्तमी विभक्ति कहा जाता है संस्कृत, अब पढ़ेंगे, जो सातवां कारक के रूप में आता है अधिकरण, जिसमें में, पे, पर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि मेरा घर हाईवे पर है, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, मेरा घर हाईवे पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर का प्रयोग हुआ है वो अधिकरण है, मतलब कि उसका घर हाईवे के किनारे है, मतलब एकदम मेन सड़क पर नहीं है बल्कि किनारे। लेकिन आमतौर पर लोग ऐसे ही बातचीत करते हैं कि मेरा घर मेन रोड पर है, मेरा घर हाईवे पर है, ठीक है, मेरा घर मेन मार्केट में है, तो में का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो इन उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा। और जब हे, हो, अरे का प्रयोग हो तो वहाँ पर संबोधन होता है, जैसे कि हे राम, ठीक है, या फिर कोई चीज़ आश्चर्यचकित होता है तो आप बोलते हैं अरे आप आ गए, अरे प्रियंबद इश कम्बली, इस तरीके से जब आप असाध्य बीड़ा पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी तरीके से प्रयोग हुआ। और कई बार आप अपने दैनिक जीवन में भी हे, हो, अरे का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो कारक व्यवस्था है आपको समझ में आ गया होगा। मेन पॉइंट्स यही था कि कारकों की संख्या कुल 8 है। कारकों की जो अहम भूमिका होती है व्याकरण में, पहला तो होता है कि सार्थक वाक्य का निर्माण करना, दूसरा संज्ञा और सर्वनाम का जो निश्चित संबंध है उसको स्पष्ट करना, और मैंने
आठों कारकों के बारे में बताया, सूत्र के माध्यम से बताया कि किसका किससे क्या संबंध है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, और संप्रदान को के लिए, अपदान से, मान। तो ये दोनों के बारे में मैंने अंतर भी बताया कि करण का प्रयोग कहाँ होगा और अपादान का प्रयोग कहाँ होगा, और संबंध के बारे में कहा कि के का प्रयोग कहाँ होता है जहाँ पर संबंध होता है। तो मैंने पूरे आपके जो जीवन में रिलेशंस हैं वो सब आपके, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित रिलेशन हो, चाहे आपके परिवार से हो, चाहे देश से हो, सब में संबंध कारक का रोल होता है। अधिकरण के बारे में मैंने बताया कि मैं पेपर का प्रयोग कहाँ पर होता है, उदाहरण के माध्यम से बताया, और संबोधन हे हो अरे का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसी को कहा जाता है विभक्ति प्रकरण या फिर कारक व्यवस्था। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो इसको विभक्ति कहा जाएगा, जब हिंदी पढ़ेंगे तो इसको परसर्ग या कारक व्यवस्था कहा जाएगा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।